हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको ये पार्ट फोर्थ अपलोड करूंगा वीडियो, जिसमें आपको इस डिवाइस को इस लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और कैसे ये ऑनलाइन होगा विदाउट इंटरनेट, क्योंकि इसमें ऑनलाइन करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप रिमोट प्लेस पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा ये देख रहे हैं आप, ये जो सिम्बॉल देख रहे हैं आप, ये सिम्बॉल जो है आपका, ये मैंने लैन केबल और इस लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है, सो ये दिखा रहा है। जैसे ही ये डिवाइसेस इस डिवाइस से कनेक्ट होगा, ई का मतलब होता है सर इस डिवाइस को इस लैपटॉप से कनेक्शन मिलना, क्योंकि ये चीज़ें कनेक्ट हो गया है, ठीक है। जैसे ही इस डिवाइस को इस डिवाइस से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सिम्बॉल ई आपको दिखेगा, ठीक है। सो सबसे पहले करना क्या होगा, लास्ट पार्ट में मैंने बताया था आपको सर्वर आई पी। सर्वर आई पी का मतलब ये होता है कि इस लैपटॉप का आई पी जो है इस डिवाइस में आपको डालना होता है, सो डैट कि ये आपका लैपटॉप एज ए सर्वर यूज करें। या फिर आप एक आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि आपको उस लैपटॉप का या डेस्कटॉप का आईपी डालना होगा जिसमें आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ डालेंगे, ये देखिए आप, सर्वर आईपी इंसर्ट करते हैं, मेन मेनू में गए, सेटकॉम के अंदर, सेटकॉम के अंदर ओके दबाएंगे। ये देखिए आपका सर्वर सेटिंग, सर्वर सेटिंग में आपका ये मैंने 192.168.1.21 रखा है, जो कि मेरा सिस्टम का आईपी भी जो है, ये देखिए 21, तो इसलिए मैंने इसका आईपी इसमें हमने डाल रखा है, ठीक है। वैसे ही हम इसमें अब हम इसका डिवाइस का आईपी देखेंगे। इथरनेट ऑप्शन में आपका दिख रहा है ये इथरनेट ऑप्शन, सो इथरनेट ऑप्शन में जाएंगे और यहां पर हम आईपी एड्रेस चेक करेंगे कि आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका आईपी एड्रेस है 1.20, ठीक है, इसको हम स्केप करते हैं। याद रखिएगा सर्वर सेटिंग में करने के लिए, अगर ये डीएसएपी सर्वर यस रहेगा तो सर्वर भी दिखेगा, और ये इथरनेट में आपका ये डोमेन नो रहेगा तभी आपको आईपी एड्रेस दिखेगा। अगर यस करते हैं तो आपको आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। अब हम आते हैं सीधे डिवाइस के ऊपर। सबसे पहले ये हमारा सॉफ्टवेयर है, सीप टाइम स्लाइट मैंने यूज कर किया हूँ, इसको राइट क्लिक कीजिएगा और रन एट एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। ये देखिए खुल गया हमारे सामने। उसके बाद सबसे पहले आप डिवाइस मैनेजमेंट में जाएंगे, उसके बाद डिवाइस मैनेजर में जाएंगे आप। ये चीज़ें मैंने इस डिवाइस का जो ये सीरियल नंबर जो देख रहे हैं आप, और इस डिवाइस का ये जो सीरियल नंबर आपके पास है, ये सीरियल नंबर ही आप इस डिवाइस में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए करना क्या होगा आपको कि ये सबसे पहले डिवाइस मास्टर में जाएंगे, क्योंकि मैंने ऐड करा रखा था इसलिए मैंने वो खोला। ये देखिए यहाँ पे डिवाइस आईडी 1 है। आप डिवाइस आईडी चेक करने के लिए आप मेन मेनू में जाएंगे, मेन मेनू के बाद आप सीधे एडवांस में आएंगे। एडवांस में जाएंगे आपका डिवाइस का ऑप्शन आएगा, डिवाइस पे आपका देखिए वहाँ पे 1 है, या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अगर 2 डिवाइसेस है, 3 डिवाइसेस है, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइस 1 है, सीरियल नंबर 7575 ही आपका रहेगा, और मैंने ये सीरियल नंबर ये देखिए CPMB00006001427 है, मैंने यहाँ डाला, यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन टाइप सीरियल नंबर होगा, पोर्ट 7575 भी रखेंगे और डिवाइस मॉडल आप सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने ऐड करवा दिया। अब हम इसको सेलेक्ट कीजिए और कनेक्ट द डिवाइस कीजिए। ये देखिए कनेक्टिंग शो कर रहा है, ये देखिए लिख दिया यहां पर डिवाइस कनेक्टेड, स्टेटस भी आपका यहां पर, ये देखिए स्टेटस आपका ऑनलाइन आ गया, ठीक है। ये स्टेटस जब तक आपका ऑनलाइन नहीं होगा, आपका डिवाइस इससे कनेक्टेड नहीं है। और ये देखिए डिवाइसेस पे भी आपका ई दिख गया, ई का सिंबल है यहां पर। अब हम करेंगे क्या कि ये डिवाइसेस को करना क्या होता है, इसमें एक प्लस पॉइंट एडवांटेज क्या है आपको कि डेटा को आपको पुल नहीं करना पड़ता है, ये डिवाइसेस खुद ब खुद आपको जो है सो कि ये डेटा जो है सिस्टम पे पुश करते जाएगा। एग्जांपल तौर पे मैं अगर देखिए यहाँ पे मैं अगर अपना फिंगर एंड करता हूँ, ये देखिए डिवाइस लॉक्ड, ये देखिए मैसेजेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। कोई भी अगर ये ई अगर ऑप्शन लिखा हुआ है डिवाइसेस में, ये देखिए ई,
तो जैसे ही हम पुश करेंगे यहाँ पे पंच करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिवाइसेस ये देखिए सो आपको डेटा फेस नहीं करना पड़ेगा, आपको खींचना नहीं पड़ेगा, आपको ये ऑटोमेटिक इस डिवाइस की सबसे बड़ी एडवांटेज है। तो ये था सर ओवरऑल प्रोसीजर। नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा कि ये जब डाउनलोड लॉक्स हो जाते हैं तो कैसे उसको रिपोर्ट जनरेट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।